लिट्टी चोखा मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीज है। मैं बहुत गरीब घर का लड़का था, मैं दूध बेचकर अपने जीवन को चलाने वाला काम किया और लिट्टी चोखा मैं 2.5 साल ओखला शहर संजय कॉलोनी में मैं बेचा हूँ। और मेरे जीवन में सबसे अगर खूबसूरत कोई खाना है तो हमारी मिट्टी की लिट्टी चोखा ही है। और मेरे जीवन और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा का योगदान है, क्योंकि उसी को बेच के उसी के पैसे से मैंने कैसेट गाई और वो लगातार कैसेट चलता रहा और आज लोगों के दिल में एक खेसारी एक फूल की तरह खिल गया। तो लिट्टी चोखा का बहुत योगदान है। और लिट्टी चोखा जो हम लोगों ने सिनेमा भी की है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसान से लेकर ये किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, किसान जो आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे मुद्दे उसमें आपको मिलेंगे जहाँ कितना क्योंकि आज की जो भी सिनेमा बन रहे हैं सब कमर्शियल टाइप के बन गए, लेकिन मैं आज के डेट में जो भी सिनेमा कर रहा हूँ समाज को लेकर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सिनेमा से कुछ समाज को सीख ना मिले तो शायद हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि समाज से जुड़ी हुई चीज़ अगर 10 आदमी भी अगर उस सिनेमा को देखकर अपने रास्ते को अलग कर लिया और उस रास्ते पे चलने का काम किया तो शायद हमारा सिनेमा बनाना सार्थक हो गया। तो कोशिश हमारी यही है, लिट्टी चोखा एक करेक्टर है और कैसे वो अपने आप को एक समाज से अलग करके और समाज को न्याय तक लेकर जाता है वो आप जब सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा। इसका म्यूजिक आज रिलीज कर रहे हैं आप लोग, कब कर रहे हैं म्यूजिक? हाँ, ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है कल सुबह 7:30 बजे RDC भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छी कंपनी है वो और उन्होंने मुझे लगता है कि हाईएस्ट प्राइस भी दिया है हमारे लिट्टी चोखा को भी, आस्की को भी, अब तक की सबसे हाईएस्ट प्राइस भी दिया उन लोगों ने। तो मेरे कहने का मतलब कि अब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, पहले पंजाबी और गुजराती मराठी तमिल इस सब में काम करते थे, हिंदी के काम करते थे, लेकिन आज हमारी भोजपुरी की फीवर की वजह से और हमारी भोजपुरी की ऑडियंस इतनी जागरूकता रखती है अपने हीरो के प्रति, अपने कलाकारों के प्रति, अपने भाषा के प्रति, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में अगर 5 मिलियन कोई चीज़ें जाती है तो भोजपुरी में वही 50 मिलियन तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की ऑडियंस आज भी जिंदा है, बशर्ते हम अच्छी सिनेमा अगर दें। आज मेरा सैयारा के लिए रिलीज हुआ और 3 साल बाद इतनी बड़ी ओपनिंग लगी, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार तो है खेसारी के प्रति। और लगातार इधर जितना भी 3 साल बाद वो ओपनिंग लिया, उसके पहले भी जो भी मेरी सिनेमा रिलीज हुई, मेरा लास्ट ओपनिंग था संघर्ष का, उसके बाद नोटबंदी हो गई और नोटबंदी में मेरा मेहंदी लगा कर रखना लगातार ओपनिंग के साथ, मैंने जो भी सिनेमा मेरा अभी तक रिलीज हुआ था कि बलमुआ एक सिनेमा मेरा था दुल्हन हुई जो पिया मन भावे, वो इतनी अच्छी ठंडी में चली। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार खेसारी के प्रति हमेशा रहा है और जब भी मैं सिनेमा लेकर आया हूँ लोगों ने अपना स्नेह और प्यार भर भर के दिया। फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई? हम लिट्टी चोखा का शूटिंग है आपके बड़ी खूबसूरत शहर बांदा में किए हैं, जहाँ पे भगवान राम आए भी किया किए थे और चित्रकूट पे जहाँ पूरी रामायण की रचना हुई जो कि हमारे भैया का होम टाउन है। और बड़े अच्छे लोग वहाँ पे हैं, हम जितना काम किए कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं हुई और इतना स्नेह कि छोटा छोटा बच्चा पैर छूकर और प्रणाम करता था और इतना प्यार देते थे वो लोग कि क्या बताया। और मुझे मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि बांदा में फिर से हम काम करें और फिर हम जाएंगे काम करने। हम लोग चाहते थे काजल लगवानी भी जी आएंगे, हम लोग तो मिल नहीं पा रहे हैं। काजल जी का शूट है कहीं यूपी में ही, मैं महाराजगंज में, तो वहाँ से आना जाना थोड़ा सा टॉप है और वो किसी का वर्क कर रही है तो इन लोगों ने संपर्क किया। तो वहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, नहीं तो वो लाइव में आने नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो कहीं ना कहीं मैं किसी प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा और हम कलाकार हैं तो हमें भी ये समझना पड़ता है कि किसी का नुकसान करके हम, ठीक है हमने किया है अपना काम तो आज नहीं तो कल लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, तो वो नहीं तो हम हैं, अगर हम नहीं होते तो वो होती। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं सारे के सारे लोग और एक सिनेमा इतनी अच्छी बनी है कि वो भी मजबूर हैं, वो उनको भी प्रचार करना है, तो अपने विधि से जहाँ भी नेटवर्क होता है तो नेटवर्क में आकर लोगों तक अपनी इस मैसेज को जरूर पहुँचाते हैं।